सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 10th क्लास की स्केल नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने इसकी कागज बाट कर दी है, कागज बाट अब आपको आती है तो मैंने कागज बाट की वीडियो नहीं बनाई है। यदि आपको नहीं आ रही है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको कागज बाट की वीडियो भी बना के बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, इस पे हमारे पास फुट्टा यूज हुआ है 2.15 सेंटीमीटर का, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, दिखाई का टेबल है। तो इसकी स्केल हमें दी हुई है, हमने कैसे सॉल्व करना है तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले वो लाइनें लेता हूँ जो हमें जिसमें हमें डॉटेड नहीं लेनी पड़े या दोबारा से उनको हमें मिटाना ना पड़े। तो सबसे पहले उसमें इसमें ऊपर से एक 2 सेंटीमीटर की फुट्टी लगी हुई है, टेबल के ऊपर जो लकड़ी होती है 2 सेंटीमीटर की है। तो ये हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे। बस आप इसी तरह से करते जाइए जैसे मैं करवा रहा हूँ, या फिर आपके टीचर जैसे आपको करवा रहा है उस हिसाब से आप करते जाइए तो आपको इजी हो जाएगा कार्य करना। आप देख सकते हैं ये आपका हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर लेना है। अभी हमने लेफ्ट साइड से हम ले रहे हैं अपने 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के बाद हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से हम 30 लेंगे और 30 के बाद फिर हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये हम एक साथ ले रहे हैं। अभी हम कोशिश करता हूँ मैं कि जल्दी से जल्दी आपकी स्केल बन जाए, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना रहे। ये हम 2 सेंटीमीटर, 2 के बाद 30, 30 के बाद 2 सेंटीमीटर। अभी मैं सिर्फ वो लाइनें ले रहा हूँ जो हमारे सबसे पहले डार्क लाइनें आनी है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने ले लिए लाइनें। अब पहले यदि हम चाहे तो यही खाना पूरा कर सकते हैं, तो चलो हम इसी को ही कंप्लीट करते हैं, ये वाले स्केल हम बाद में करेंगे। तो इसमें नीचे से हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और 4 के बाद 2 सेंटीमीटर है। यहां से मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूं, फिर 2 सेंटीमीटर। ये 4 के बाद 2 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसके बाद हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और 20 के बाद फिर 2 है। तो ये आपका 20 है, ये 15, ये 20 है, 20, 20 के बाद 2 सेंटीमीटर है, 20, 20 के बाद 2 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास इसमें एक 20 सेंटीमीटर का खाना बना हुआ है और फिर हमारा 2 सेंटीमीटर और इसी तरह से ये देखिए आप, ये देखो यहाँ से 20 सेंटीमीटर हमारा फिर बच जाता है। मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस तरह से, और हम इन लाइनों को आपस में मिला देते हैं। हम अभी सिर्फ हल्की लाइनें लगाएंगे, बाद में हम इसको फेयर करेंगे इस तरह से। वैसे तो इसमें कुछ मिटाने का नहीं है क्योंकि हमने बिल्कुल नाप के और वही लाइनें लगाई है जो जहां पे आनी है। अब क्या है, ये जो आपका खाने बन गए इसमें यहां से ढक्कन लगा हुआ है और उसमें दराज है, और दराज को जब आप खींचेंगे उसको निकालेंगे उसके लिए यहाँ पे हैंडल चाहिए हमें। तो हैंडल कितनी दूरी पे है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे है
5x2-2 सेंटीमीटर के दिए हुए, दूरी नहीं दी हुई है, दूरी आपने अपने आप निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर बीच में, तो हमने इसका आधा लेना है 10 से 8 इधर हमने ले लिया, और हमने यहाँ 10 है ना, तो 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर हमने इस तरह ले लिया। तो ये हमें को इस तरह नापना पड़ेगा, इसमें कार्य थोड़ा ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है इस तरह से। ये आपका 10 सेंटीमीटर है, तो हमने इस तरह से अभी सभी खानों में हमें इसी तरह से लेना पड़ेगा हमारे को, ये 10 से एक ऊपर और एक नीचे हम ले लेंगे इस तरह से, ये 10 है और यहाँ भी इस तरह से, ये आपका 20 सेंटीमीटर था, तो हमने इसमें 9 सेंटीमीटर ऊपर काट दिया, फिर 2 सेंटीमीटर 9 हमारा नीचे बच गया, इस तरह से हमने ले लिया। अब हम थोड़ी सी इसमें ना डॉटेड लाइन बीच में लगा देंगे, क्योंकि अभी हमें डार्क नहीं करना है, क्योंकि हमें ये चाहिए 5 ही सेंटीमीटर। हम हल्की सी लाइन ऐसे लगा देते हैं, वो जितनी हमें चाहिए होगी उतनी हम डार्क कर देंगे, बाकी हम लाइन को मिटा देंगे इस तरह से। इस तरह से अब हमने क्या करना है, ये जो आपकी दूरी है बीच में, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी है, तो या तो हम इसमें 12.5 सेंटीमीटर काट सकते हैं, 12.5 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर हम लेंगे, या आप इसका आधा करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 15, और 15 से आपने 2.5 इधर लेना 2.5 इधर लेना, तो जो भी आपको सही लगता है, आप या तो 10, 11, 12, 12.5 के बाद 5, तो इस तरह से आप ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर। और ये हर खाने में नहीं लेना, आपने सीधा ही नीचे ले लो, आप ऊपर से नीचे, क्योंकि बराबर है इसमें सभी में, तो ये आप देख सकते हैं ये 10, 11, 12, 12.5 के बाद 5 सेंटीमीटर इस तरह से ले लो, और इसी को आप पूरे खाने में से मिला सकते हैं। अब सिर्फ आपने यहाँ पे मिलाना है, इतना यहाँ पे मिलाना है, हर खाने में नापने की ज़रूरत नहीं है, आपका कार्य इससे बढ़ जाएगा इस तरह से। अब जो आपके पास ये बीच में बना है हैंडल, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से डार्क शो कर सकते हैं, इस तरह से आपने ये बनाना है। और जो हमारी फालतू की लाइन होगी इसको हम यहां से मिटा देंगे, आप देखिए ये इसमें ढक्कन लग गया है। अब जब आप इसको खींचेंगे, इसको यहाँ से निकालेंगे, इसके अंदर जो भी आपने सामान रखा होगा, तो उसके नीचे एक फट्टी और होगी बनी हुई, एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इसके ऊपर होगी, क्योंकि ये आपकी बेस फट्टी है, इसके ऊपर तो दराज है रखा हुआ, तो दराज को जब आप खींचते हैं तो उसकी अपनी अलग से दो अंदर इधर को फट्टी होगी और एक नीचे फट्टी होगी। तो हमने क्या करना है, वो 2 सेंटीमीटर हमने डॉटेड इसमें दर्शाना है, तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इधर ले लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर हम यहाँ पे भी ले लेंगे, और अब सीधा ही फिर नीचे 2 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से ले लेंगे। और अब हमने क्या करना है, इसमें 2-2 सेंटीमीटर की जो फट्टी है वो इधर को भी इसमें लगेगी, तो यहाँ से हमने लेना है 2 सेंटीमीटर इस तरह से, हम इसमें निशान लगा देंगे, बस आप देखते जाइए आराम आराम से, आप सीख जाएंगे इस तरह से। 2 सेंटीमीटर तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी है, ये हम डार्क नहीं लगाएंगे इस तरह से, ये सभी खानों में लगेगी एक साथ।
देखो ना तो हम कोई लाइन अभी मिटा रहे, कोशिश हमारी रहती है, गलती तो हर इंसान से होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे ऐसी लाइनें लगाएं तो बाद में हमारे को कम मिटानी पड़े, ज़्यादा हमें मिटाई ना पड़े, जिसकी तो ज़रूरत है, जैसे यहाँ ज़रूरत थी तो वो तो हमें लेनी ही पड़ी, पर उसके बाद या उससे पहले जो हमने लाइनें लगाई है उसमें हमने कोशिश की है कि हमें वो लाइनें मिटानी ना पड़े। तो इस तरह से अब आपने यहाँ भी डॉटेड लेना है, और ये जो आपका डॉटेड आएगा वो सिर्फ आपका यहाँ तक आएगा, उसके नीचे आप अभी जब मैं फुट्टा हटाऊंगा तब आपको ये दृश्य क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए अब ये जो लाइन है ना इसके नीचे ना इसके, ना यहाँ है ना ये यहाँ है, ना यहाँ ना यहाँ, इसी तरह से ये आनी है। यहाँ पे डॉटेड हमने 2 सेंटीमीटर ये ले रखा है, और ये आपका ऊपर डॉट 2 सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सिर्फ आपके यहाँ तक है, ये फट्टी अलग है, ये अलग है, और ये आपका यहाँ 2 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ये आपका 2 सेंटीमीटर सिर्फ यहाँ तक है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से अब जो है आपका ये जो कार्य आपका वो कंप्लीट हो गया। अभी एलिवेशन में हमारा और भी काम बचा हुआ है, तो ये जो आपका कार्य था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो 15 सेंटीमीटर के बाद 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने पहले तो 15 सेंटीमीटर ले लेना है, यहाँ भी हम 15 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से, और हम अभी यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक सिंगल लाइन लगाएंगे, इसका भी रीजन है, यहाँ हम एक सिंगल लाइन लगा देंगे। और अब हमने क्या करना है, इसमें यहाँ पे हमारे पास है 2 सेंटीमीटर की मोटी फट्टी है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, हम यहाँ पे इधर को 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी हम जो है वो 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ भी हम 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ भी हम निशान लगा देंगे 2 सेंटीमीटर का। और अब हम जो है ये 2 सेंटीमीटर सबसे पहले हम मिला देंगे, ये 2 सेंटीमीटर हम इस तरह से हमने मिला दिया है। और हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर की, तो सबसे पहले तो हमने ये मोटाई इसकी लगानी है 2 सेंटीमीटर की, ये जो आपकी है ये अभी सिंगल हमने लाइन लगाई थी एक्चुअल में, ये हमारी है 2 सेंटीमीटर की फट्टी है, इस तरह से। अब हमारे पास जो ये है ये इसी के बीच में हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो लगाना हमने यहीं से, यहां से ये जो पहले हमने लाइन लगाई थी ना यहीं से है, ये दो भी इसी में इंक्लूड है, और ये आपका 10 है, मतलब आपने यहाँ से नहीं लेना है तब तो ये 12 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 10 आगे ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं लेना है, कि यहीं से इसी में 2 सेंटीमीटर इंक्लूड है। तो ये हमारा ये देखिए यहाँ पे निचला जो है ना ये यहाँ ये वाला जो है पोर्शन है, यहीं से हमने ये 10 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ से ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से है। और अब हमने क्या करना है, ये ऊपर भी डार्क आएगा और यहाँ भी डार्क आएगा, डॉटेड जो होगा वो ये शो होना है आपका, ये फट्टी जो है वो अंदर इसमें लगी हुई होगी 2 सेंटीमीटर की इसके अंदर, तो यहाँ डॉटेड आएगा और यहाँ आपका ये डार्क आ जाएगा। इस तरह से जो है वो आपकी एलिवेशन इस तरह से ये बनेगी, और ये अब आपकी एलिवेशन बन के तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो आपकी लाइन है ये वाली लाइन है, ये लाइन आपकी मिट जाएगी, अब ये टेबल का हिस्सा नहीं है, ये लाइन नहीं है क्योंकि ये इस पे खड़ा है, ये आपका टेबल जो है वो इस लाइन पे खड़ा है, तो ये आपका हिस्से में हमारे नहीं, इसको मिटा देंगे, ये तो हल्का करा मैं बाद में इसको मैं अच्छे से फेयर कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपकी जो है वो एलिवेशन बननी है, ये इतनी आसान स्केल नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको ये बन जाएगी, और थोड़ा सा स्कूल में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं कुछ थोड़ा सा वीडियो देख के कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है इसकी साइड, और साइड बनाने के लिए या तो आप नाप सकते हैं, नहीं तो जो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है हमने सबसे पहले ऊपर लगाई थी, यही हमने साइड में भी लगानी है, और साइड में भी ये यहाँ पर डार्क आएगी इस तरह से। अब क्या करना, हमने इसमें हम लेंगे यहाँ से हमने जो है वो 25 सेंटीमीटर लेना है बीच में,
मतलब किसके बीच में, तो ये टोटल जो हमारे पास इसकी ब्रेथ है वो है 47 है, तो 47 यदि हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमने 30 जो है वो रखना है। इसके लिए हमने ज़्यादा जद्दोजहद में नहीं पड़ना है, हमने क्या करना है इसका हम आधा कर देंगे, तो 47 है, 47 का जो हमारा आधा होता है वो होता है 23.5, तो ये आपका 15, 20, 21, 22, 23, ये आपका आ जाएगा 23.5 आ गया। अब हमने यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर काटना है, दोनों साइड हम 12.5 सेंटीमीटर काटेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ से 12.5 सेंटीमीटर इधर और 12.5 सेंटीमीटर हम इधर काट देंगे, ये आपका 5, 10, 11, 12, 12.5 सेंटीमीटर। और निचली लाइन में भी हमने इसी तरह से लेना है, तो हम इसको यहाँ पे भी हमने ये इसी तरह से लेना है, नीचे भी ये 25 सेंटीमीटर की इसी तरह से, तो ये आपका आ जाएगा हाफ हमारा होना है 23.5, तो ये 20, 21, 22, 23, 23.5। अब यहाँ से हमने 12.5 सेंटीमीटर लेना है, ये आप देख सकते हैं 10, 11, 12, 12.5, ये 12.5 इधर और 5, 10, 11, 12, 12.5, और आप देख भी सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये देख 15, 20, 25, ये देखिए पूरा पूरा है। तो अब हमने क्या करना है इसको यहाँ पे मिला देना है। सबसे पहले हम इसमें नीचे जैसे हमने ऊपर लाइन लगाई ना, इस तरह से हम नीचे भी 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, पर ये जो हमारी लाइन आनी है वो यहाँ पे हम हल्की लगा देंगे क्योंकि ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर पर तक ही है, तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं पहले। ये जो आपकी लाइन आएगी ये जो है वो यहाँ पे सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम हल्की ऊपर लगा रहे हैं इसको और नीचे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, और हमने नीचे जो है वो ये डार्क कर देना है यहाँ पे इस तरह से, और ऊपर ये हमने 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ले रखा है पहले ही, ये जो आपका 2 सेंटीमीटर यहाँ है, अब यहाँ ये इतना सा आया था, और यहाँ हमारे पास ये है ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये देखिए आप यहाँ पे ये हमने 25 सेंटीमीटर ले लिया है। अब हमने क्या करना है, ये 25 सेंटीमीटर तो इस फट्टी को, ये जो आपका टेबल के ऊपर की फट्टी, इसको रोकने के लिए इस तरह से बना हुआ है। अब इसके बीच में एक फट्टी बनी हुई है 5 सेंटीमीटर की, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की फट्टी बनी हुई है, तो अब हमने क्या करना है, ये अपना 25 आ गया और हमारा इजी हो जाता है। हमने क्या करना है, यहाँ से 25 जो हमारा बीच में आया है इसमें हमने 10-10 सेंटीमीटर छोड़ देना है, 10 हम यहाँ छोड़ देंगे, 10 यहाँ छोड़ देंगे, तो बीच में अपना आप ही 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से ये 25 है पूरा, तो ये देखिए 10 इधर छोड़ दिया, यहाँ से 5, 5 और 10 यहाँ छोड़ दिया, तो ये 20 बीच में जो है वो 25 हो गया। ये देखिए ये जो हमारी लाइन है ये हमारी डार्क है, इस तरह से ये हमारी लाइन जो है वो डार्क हो जाएगी। अब ये तो आपका डार्क प्रोजेक्शन थे जितने भी हमारे थे, सिर्फ अब इसमें डार्क ये बचते हैं हमारे जो 2-2 सेंटीमीटर के ये आपके हुक है जिससे हम इसको खोलेंगे दराज को, तो ये आपका हैंडल जो है 2-2 सेंटीमीटर के, बाकी इसमें टोटल प्रोजेक्शन अभी डॉटेड आना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें पीछे हमने एक लाइन लगानी है 2 सेंटीमीटर की डॉटेड, अब सारा कार्य डॉटेड है, सिर्फ इसके हैंडल जो है वो डार्क आने हैं 3, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने सबसे पहले 2 सेंटीमीटर लेना है और ये जो है आपका डॉटेड आना है, वो सारा कार्य इसमें डॉटेड है, डार्क कार्य हम पहले ही इसका निपटा चुके हैं इस तरह से। अब हमने आगे से भी इसमें 2 सेंटीमीटर ले लेना है, हमें कोशिश करनी है कि सिस्टम से हम कार्य करें कि जो फट्टी पहले लगनी हो पहले लगाएं, जो बाद में लगनी हो बाद में लगाएं, ज़्यादा मिटाना हमें ना पड़े, मैं कोशिश यही करता हूँ।
इस तरह से। सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत थी, ये 2 सेंटीमीटर हमने ले लिया है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ज़्यादा हमने इधर नापना नहीं है, बहुत समय लग जाएगा, हमने कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमने जो है ना रोटेट लेने शुरू करने। देखो सबसे पहले हमारी जो बेस लाइन है, जो हमारी ये डार्क लाइन है, इनकी प्रोजेक्शन हम सबसे पहले लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए इसका प्रोजेक्शन यहाँ ले लेता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्शन आपका आएगा ये बाहर तक आना है, क्योंकि बाहर तक फट्टी है। इस तरह से अब इससे नीचे जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आएगा, इसमें रोटेट नहीं आना है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से ये लास्ट पीछे नहीं जाएगा इसमें। अब ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये हमने यहां से 2 सेंटीमीटर लेना है। अब हम ये 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, इस तरह से। अब हमने यहां पे भी 2 सेंटीमीटर लेना है, ये इस तरह से बेसिक जो हमारी लाइनें हैं वो हमने लगा दी हैं। इनके बीच में भी ये डॉटेड, ये जो 2 सेंटीमीटर की लाइन है सामने, ये इनके बीच में नहीं आएगी। अब हमने इसमें क्या करना है, इसके बाद हमने इसमें यहाँ से ये तो आपकी आ गई है। अब हमने इधर को, ये जो आपकी आ रही है ना यहाँ पे, ये लाइनें हमने इधर को लगानी है। तो हमने अब क्या करना है, इसमें आपने यहाँ से सबसे पहले ये जो आपका प्रोजेक्शन है ये ऊपर वाला है, ये अब ये जो आपकी 2 सेंटीमीटर की लाइन है, ये जो आपकी डॉटेड आ रही है, इस डॉटेड से ये अंदर है इस तरह से, ये दिख रहा होगा आपको, अलग से शो हो रही है। और ये इस तरह से आप देखते रहिए, और ये आपका डॉटेड है, ये 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे। आप यहां पे निशान लगा के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इसके प्रोजेक्शन लेने। अब आपने क्या करना है, इसमें 2 सेंटीमीटर या आपने यहां पे इसको रोकने के लिए फिर यहां 2 सेंटीमीटर है, तो आपने यहां पे 2 सेंटीमीटर ऊपर और लास्ट में नीचा 2 सेंटीमीटर ले लो। पर ये लगनी कितनी है ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो आपकी लगनी है ये आप देख सकते हैं, यहां और यहां में ऊपर नापते, ये यहीं तक आनी है जहां हमने लास्ट में डॉटेड लिया है ना, ये देखिए ये सिर्फ यहीं तक आनी, ना तो इसमें आएगी ना ही इसमें आएगी नीचे, ठीक है। इस तरह से आपने 2 सेंटीमीटर लेना है, और यहां भी इस तरह से, और यहाँ पे भी ये इस तरह से, ये जो 2 सेंटीमीटर आना है ये सिर्फ आपका इसी खाने में आना है, क्योंकि जब आप इस दराज को यहाँ से खींचेंगे तो ये वाली फट्टी इसी के साथ आ जाएगी, बाहर को आ जाएगी। तो ये जो है आपका इस तरह से, ये आपका 2 सेंटीमीटर बनेगा इस तरह से, ये 2 सेंटीमीटर आपका आएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमने प्रोजेक्शन लिए थे ये वाले, ये आपका है, ये हैंडल जो आपका है ये आपका है 2 सेंटीमीटर बाहर को है, तो हमने यहाँ से इसमें फुट्टा रख करके, ये देखिए आप यहाँ पे, या तो आपके पास अगर बड़ा सेट स्क्वायर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे बिल्कुल सीधे प्रोजेक्शन आते हैं। ये आप इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे लगा दीजिए, ये देखिए यहाँ पे
ये आप देख सकते हैं, यहां से आपने ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह से हमने इसमें 2 सेंटीमीटर यहां पर नाप लेना है और लास्ट में हम 2 सेंटीमीटर यहां पर नाप देंगे। तो हम इसको मिला देते हैं। इस तरह से ये आपके डार्क आ जाएंगे। इस तरह से ये जो आपकी साइड है वो भी बनके तैयार हो गई है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, इतनी जो लाइनें आपकी वो साइड में आनी आनी है, सारे प्रोजेक्शन आपके साइड में इस तरह से ये बनने ही बनने। अब आपने क्या करना है, अब हम बनाएंगे प्लान। प्लान में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं साइड में, इन सभी रेखाओं के जितनी हमारी रेखा ये आई है इनके हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। आपका 20 सेंटीमीटर है, इस तरह से ये जो आपकी लाइन है इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से और ये जो आपका प्रोजेक्शन आया है इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह। और हमने क्या करना है, इसमें इधर को ज्यादा लाइनें नहीं है, कम लाइन है और वो भी यहाँ के लिए है। सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, ये जो आपका 2 सेंटीमीटर है ये और ये जो आपका है ये सबसे पहले हमारा डॉटेड यहाँ आना है और ये नीचे तक आएगा, फिर आपका ये वाला डॉटेड आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी लाइन आई है, ये आपका डॉटेड आएगा, इस तरह से। और ये जो आपका ये आपके वर्ग बने हैं, सॉरी आपका ये हैंडल है, ये आपका 2 सेंटीमीटर बाहर को आना है, तो इसको भी हम यहां ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इस तरह से। ये आपका सिर्फ इतना काम कार्य जो आपका है वो डार्क है साइड उसमें प्लान में, बाकी सारा आपका डॉटेड है। अब हमने यहाँ से या तो जैसे मैं ले रहा हूँ छोटे से स्क्वायर से, अब यहाँ से इसके निशान लगा लो आगे। ये छोटे से स्क्वायर मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए लगाता हूँ, बाकी मेरे पास तो बड़ा सा स्क्वायर है और मैं उससे जल्दी से भी कार्य मेरा निपट जाता है, स्केल की लेंथ मेरी बढ़ जाती है, पर मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो इस तरह से जैसे ये आपका 2 सेंटीमीटर है, यहाँ मैंने निशान लगा दिया है, अब ये आपका 2 सेंटीमीटर है, इसी के सीधे मैंने यहां निशान लगा दिया है, यहां भी इसको क्रॉस कर देता हूं और इसी के सीधे में मुझे यहां पे हमें निशान चाहिए यहां पे, और उस
उसके बाद हमारे को चाहिए निशान, ये जो एंगल आपका है ना, ये हमने इस तरह से 90 डिग्री में लगाना है, तो आपके प्रोजेक्शन कभी भी गलत नहीं होंगे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। पहले मैं सारे प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। इस तरह से एक तो आपका कार्य जल्दी हो जाता है और इसमें गलती लगने के भी कम चांस होते हैं, आपका समय बहुत बचता है। नहीं तो आप चाहो तो आप इसको नाप के भी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये आपका 2 सेंटीमीटर सबसे पहले लास्ट वाला, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे और यहाँ पे इसको मिला दिया है, तो लाइन हमारे सिर्फ यहाँ आनी है, इसके पीछे आनी है, बाकी कहीं इसकी लाइन नहीं आनी है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारा एक आगे इसमें लाइन आनी है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ और यहाँ ये पॉइंट मैंने मिला दिए। अब मैं यहाँ पे इसमें 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा रहा हूँ, ये इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके आपने डॉटेड लिए थे, ये वाले हमने डॉटेड लिए थे ना, ये अब हमने इन डॉटेड को नीचे उतारना है, इनके हमने यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से, और ये आपका डॉटेड है तो इसके अंदर हमने ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो आपका डॉट, ये जो आपका आया था 2 सेंटीमीटर पीछे हमने लिया था, ये वाला, ये जो आपने इसको रोका था यहाँ पे, ये जो हमारी लाइन है वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी डॉटेड, इस तरह से ये हमारी 2 सेंटीमीटर की लाइन इस तरह से हमारी आ जाएगी, और ये वाला हिस्सा जो हमारा वो बन गया है। अब हमारा ये वाला हिस्सा बनना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमने ये 15 सेंटीमीटर के दूर है ना, यहाँ से इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये आपका 2 का था, ये 2 का था, तो ये 15 का है, और उसके बाद आपका ये सीधा है, तो मतलब यहाँ से लेकर ये डॉटेड हमारा आएगा और आपका लगभग यहाँ तक आना है। अभी हम सिर्फ इसको हल्का ले रहे हैं क्योंकि बाद में मिट सकती लाइन हमारी। ये 2 सेंटीमीटर है, ये जो आपका 2 सेंटीमीटर है, ये तो आपका सिर्फ बीच में ही आना है यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद आपका ये है 10 सेंटीमीटर दूरी पे है यहाँ पे, यहाँ पे भी हमारा ये इसी तरह से बनेगा इस तरह से। अब यहाँ तो हमारा छोटे फुट्टे से भी आपका कार्य चल जाएगा। ये यहाँ से हमारा है ये आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ से नीचे ये ऊपर वाला भी हमारा मिट जाएगा, और लास्ट जो हमारा है वो ये है, ये आपका लास्ट है, ये भी आपका यहाँ से इस तरह से मिट जाएगा, इससे निचला भी मिट जाएगा और ऊपर वाला मिट जाएगा, ये इस तरह से है ये, क्योंकि ये जितना ऊपर है उतना ही इसका नीचे आपका फट्टा है, जितना ही ऊपर फट्टा है उतना ही यहाँ है, तो ये आपका इसी तरह से डॉटेड आपका बनना है। अब जो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये लंबी लाइन है, तो इसके लिए हम ये वाला फुट्टा लेंगे और आपका ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, ये हम यहाँ पे मिला देते हैं इसको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये हमारी पूरी डॉटेड आएगी तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आने, और ये आपकी है, यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ अलग से 2 सेंटीमीटर है। अब ये इस तरह क्यों है, क्योंकि ये जो आपकी फट्टी है ना, ये तो आपकी यहाँ शो हो गई, और जो ये आपकी आ रही है वो यहीं तक है, तो ये इसके अंदर हमने सिर्फ 2 सेंटीमीटर अंदर ये शो करनी है यहाँ से हमने, तो ये हमें यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये थोड़ा नापना पड़ेगा, ये इस तरह से, ये हम यहाँ भी इसको हम 2 सेंटीमीटर डॉटेड शो कर देते हैं,
यहाँ पे हमने डॉटेड ये दो सेंटीमीटर शो कर दिया, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन भी लेना है हमारे को इजी हो जाता है। इस तरह से ही आपकी जो है स्केल है बन के बिल्कुल तैयार हो गई, इसी तरह से स्केल बननी है। अब जो आपकी लाइनें थोड़ी फीकी लग रही है, आपको लगता है कि ये लाइनें हमारी अच्छे से नहीं दिख रही है, तो आप इन सभी लाइनों को फेयर कर सकते हैं, अच्छे से इनको डार्क कर सकते हैं। मैं भी इनको डार्क करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी जो है बन के दिख रही है। इस तरह से ये आपकी स्केल अब कम्प्लीट हो गई है। जो मेरी लाइनें बिल्कुल लाइट थी वो हमने अब डार्क कर दी है। इस तरह से ये आपकी स्केल दिखेगी। आपने भी इसी तरह से इसको फेयर करना है, पहले आपने भी ऐसे हल्का कार्य करना है जैसे हमने किया था जो हमने स्केल बनाई थी, क्योंकि जो चीज़ें हमें मिटानी होती है वो आसानी से मिट जाती है यदि हमने हल्के से कार्य किया होगा। अब इसमें सिर्फ बचता है आपका स्केल कार्ड, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसमें स्केल नंबर जो हमारा यूज हुआ है वो 2.15 सेंटीमीटर ये मैंने लिख दिया है। यहाँ स्केल कार्ड आपने अपने आप बनाना है, उसके आपके दो नंबर है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो मैंने आपको स्केल कार्ड बनाना बताया है, वो आपने ज़रूर बनाना है। इस तरह से ही आपकी स्केल बनके तैयार हो गई है। आपने भी इसको इसी तरह से अच्छे से और सफाई से बनाना है, तो आपको 24 नंबर इसके ज़रूर मिलेंगे।